घनेन्द्र भारद्वाज जी, मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई, हालांकि इस मुलाकात को लेकर भी हमने देखा था पिछले दिनों चिट्ठी और पत्री सब कुछ हुआ और फिर समय बड़ी मुश्किल से मिला, तो क्या कोई बात बनी? जो हम मुख्यमंत्री को सुन रहे थे उससे तो हमें लगा कि कोई बात नहीं बनी, और कुछ बात हुई हो तो जरूर बताइए। देखिए जीना जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली के लिए बहुत शर्मनाक है। आज दिल्ली में एक ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे हैं जो दिल्ली की डेवलपमेंट के दुश्मन बन गए हैं, जो दिल्ली के विकास के दुश्मन बन गए हैं, जो पॉलिटिकल एजेंडे पे लगातार दिल्ली की चुनी सरकार को काम नहीं करने दे रहे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली ने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हो और वो बहुत अहंकार से और घमंड से मुख्यमंत्री को कहे कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं ही सारे डिसीजन लूंगा, दिल्ली की चुनी सरकार का कोई मतलब नहीं। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। जब आप संवैधानिक दायित्वों को एक तरीके से तिलांजलि देके संवैधानिक दायित्वों को और मर्यादाओं को खत्म करके मार के जब आप एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की तरह एक्ट करते हो तो इस तरीके की बातें नजर आती हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सीएम साहब इसीलिए गए थे क्योंकि दिल्ली के बहुत सारे डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं और ये मैटर अभी भी सर्विसेज वाला मैटर जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है। आज जिस तरीके से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिलके आए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, निश्चित तौर पर वो इसीलिए गए थे कि दिल्ली के काम हमारे डिस्टर्ब हो रहे थे, हमारे सारे काम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने रोक दिए हैं। आज दिल्ली की चुनी सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहुत अहंकार से और बहुत घमंड से इस बात को कह रहे कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, दिल्ली के सारे फैसले मैं लूंगा। अरे अगर दिल्ली के सारे फैसले लेफ्टिनेंट गवर्नर लेंगे तो दिल्ली की चुनी सरकार का क्या मतलब रह जाएगा? आज जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज सारे कामों को रोक दिया, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, तानाशाह की तरह बिहेव कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी ये थी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की कि आप दिल्ली के विकास में कॉन्ट्रीब्यूट करें, आप दिल्ली की चुनी सरकार के साथ मिलकर काम करें। आपको यह संवैधानिक अधिकार किसी ने नहीं दिया, संविधान ने आपको इसलिए भेजा था लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के कि आप दिल्ली के साथ, दिल्ली की चुनी सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, ये कहीं पे भी नहीं लिखा। और आज सीएम साहब ने भी कहा कि बाकायदा जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने साफ कर दिया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास पुलिस को छोड़ के, लैंड को छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर को छोड़ के कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये संविधान में लिखा, आप संविधान को नहीं मान रहे, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानोगे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अच्छा ठीक है, आपकी बात आगे ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट जो आया था 2021 में, जिसमें खास तौर से शक्तियां दी गई उपराज्यपाल को, आप लोगों ने विरोध किया था? भारद्वाज जी, जीनत जी, मैं फिर उसी बात पे बता रहा हूं कि जो जीएसटी एक्ट अमेंडमेंट 2021 बिल है, हर बिल में ये लिखा है कि एलजी साहब चुनी सरकार से पूछ के निर्णय लेंगे, जो चुनी सरकार, जो कैबिनेट एलजी साहब को रिकमेंड करेगी, एलजी साहब उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये जीएसटी एक्ट अमेंडमेंट बिल में लिखा हुआ है कि एलजी साहब के पास कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ 3 रिजर्व सब्जेक्ट एलजी साहब के पास है, लैंड है, पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर। सर आपकी बात मैंने सुन ली और मैं आपके, सुनिए तो सही, ठीक है, मैं मुख्यमंत्री जी का ट्वीट भी देख रही थी 15 मार्च 2021 का, आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड बाय पीपल ऑफ दिल्ली 8 सीट्स इन असेंबली, ड्रास्टिकली पावर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट थ्रू अ बिल। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने मुख्यमंत्री के ट्वीट पे रीट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि जब हमारे साथ कश्मीर में ऐसा हुआ तब आपने आवाज नहीं उठाई, लेकिन आज हम आपके साथ हैं और दिल्ली को दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन मैं जो समझना चाह रही हूं वो ये कि 21 से लेकर अभी तक क्या आपने बुलंद आवाज में जो है ये बात रखी? मामला बेशक सुप्रीम कोर्ट गया। प्रीति जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आवाज आप मेरी सुन पा रहे हैं? जीना जी, जीना जी, हाँ जी सर, बोलिए, जल्दी से बोल लीजिए। जीना जी, हाँ, इसी मामले को लेके ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सुनवाई चल रही है कि जो सर्विसेज वाला मामला है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास है, बाकी सारी चीजें हमारे पास आ गई थी, सर्विसेज गलत तरीके से असंवैधानिक रूप से एलजी साहब ने रख ली थी और जिस सर्विसेज का फायदा उठा के आज वो दिल्ली सरकार के अफसरों को ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ नोटिस भेजो, कार्रवाई करो, नहीं तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर दिल्ली से बाहर कर दूंगा। इस तरीके का एक डराया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी को, ब्यूरोक्रेसी को दबाव में डाला जा रहा है, अनुचित दबाव डाला जा रहा है
कि दिल्ली की सरकार के खिलाफ आप काम करो। ठीक है, मैं सुनवाई पर भी हमने नजर, ठीक है भारद्वाज जी।